नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल प्रेडिक्ट्स 60 सीट्स फॉर इंडी ब्लॉक एंड 38 फॉर बीजेपी लेड एनडीए आउट ऑफ 130 इन साउथ इंडिया। द अपोजिशन इंडी ब्लॉक में विन 60 सीट्स एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लेड एनडीए में विन 38 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 130 लोकसभा सीट्स इन द साउदर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग पुदुचेरी इफ इलेक्शंस आर हेल्ड नाउ अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल। अदर पार्टीज इंक्लूडिंग वाईएसआर कांग्रेस टीडीपी एआईडीएमके BRS, AIMIM may win the remaining 32 seats, says the survey. Details of the opinion poll were telecast on India TV on Monday, March 4, Tamil Nadu. The survey predicts in DMK-ruled Tamil Nadu, Indi bloc may win 30, India may win, NDA may win 5, AIADMK may win 4 seats out of a total of 39 seats. पार्टी वाइज डीएमके में विन 20, एआईएडीएमके एंड बीजेपी में विन 4 सीट्स ईच, कांग्रेस में विन 6 सीट्स, पीएमके में विन 1 सीट एंड अदर्स में विन 4 सीट्स। पुदुचेरी द लोन पुदुचेरी लोकसभा सीट में गो टू बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस सेज द सर्वे। इंडिया टीवी एक्स हैंडल। तमिलनाडु पुदुचेरी की 40 सीटों का सर्वे डीएम को मिल सकती हैं 20 सीट, एआईडीएमके को 4 सीटों पर मजबूती तो वहीं 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को मिल सकती हैं 6 सीट। चेन्नई टोटल 6, इंडी ब्लॉक 5, एआईडीएमके 1, नॉर्थ तमिलनाडु टोटल 7, इंडी ब्लॉक 6, एनडीए 1, वेस्ट तमिलनाडु टोटल 9, इंडी ब्लॉक 6, एनडीए 2, एआईडीएमके 1, साउथ तमिलनाडु टोटल 10, इंडिया ब्लॉक एनडीए 2, एआईडीएमके 1, कावेरी डेल्टा टोटल 7, इंडिया 6, एआईडीएमके 1। इन तमिलनाडु इंडी ब्लॉक इंक्लूड्स डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल एंड अदर सिमिलर पार्टीज। कर्नाटका, इन कर्नाटका रूल्ड कर्नाटका बीजेपी मे विन 22, इट्स अलायंस पार्टनर जनता दल मे विन 2 एंड कांग्रेस मे विन 4 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 28 सीट्स इज द सर्वे। कर्नाटक में बीजेपी को मिल सकती हैं 28 में से 22 सीट, कांग्रेस को मिल सकती हैं 4 सीट तो वहीं जेडीएस को 2 सीटों पर बढ़त। रीजन वाइज नॉर्थ कर्नाटका टोटल 11, एनडीए 9, इंडी ब्लॉक 2, कोस्टल कर्नाटका टोटल 3, एनडीए 3, साउथर्न कर्नाटका टोटल 9, एनडीए 8, इंडिया 1, बेंगलुरु टोटल 5, एनडीए 4, इंडी ब्लॉक 1। आंध्र प्रदेश इन वाईएसआर कांग्रेस रूल्ड आंध्र प्रदेश द रूलिंग पार्टी वाईएसआरसीपी मे विन 15 सीट्स, तेलुगु देशम पार्टी मे विन 10 आउट ऑफ टोटल ऑफ 25। रीजन वाइज लोअर आंध्र टोटल 8, टीडीपी 4, वाईएसआरसीपी 4, रायलसीमा टोटल 7, वाईएसआरसीपी 5, टीडीपी 2। अपर आंध्र टोटल 10, वाईएसआरसीपी 6, टीडीपी। तेलंगाना इन कांग्रेस रूल्ड तेलंगाना कांग्रेस मे विन 9 सीट्स, बीजेपी मे विन 5 सीट्स, भारत राष्ट्र समिति मे विन ओनली 2 सीट्स एंड असुद्दीन ओवैसी एएमआईएम मे विन ओनली 1 सीट। ग्रेटर हैदराबाद टोटल 4 सीट, बीजेपी 1, बीआरएस 1, कांग्रेस 1, एआईएमआईएम 1। लोअर तेलंगाना टोटल 6, कांग्रेस 4, बीजेपी 1, बीआरएस 1। अपर तेलंगाना टोटल 7, कांग्रेस 4, बीजेपी 3। केरला इन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट रूल्ड स्टेट केरला, इंडी ब्लॉक मे विन 17 सीट्स एंड बीजेपी मे विन रिमेनिंग 3 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 20 सीट्स। कांग्रेस लेड यूडीएफ में विन 11 सीट्स एंड सीपीआईएम लेड
LDF may win 6 seats, say the survey. In this state, the Indy bloc partners LDF and UDF are all at loggerheads. Region-wise projection, Malabar region total 7, UDF 5, LDF 2, Cochin region total 6, LDF 3, UDF 3, Travancore region total 7, NDA 3, UDF 3, LDF 1. The opinion poll was conducted in all 130 Lok Sabha constituencies of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka and Puducherry between February 5 and 23. Thank you for watching this video. नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया टीवी CNX का साउथ इंडिया के लोकसभा 2024 के ओपिनियन पोल को दिखाने जा रहे हैं। साउथ इंडिया बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है और अब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखते हैं इस ओपिनियन पोल से क्या तस्वीर नज़र आती है। और आंध्र प्रदेश और इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती या उन राज्यों में जहां उसका खाता नहीं खुलता वहां खाता खोले बगैर कि 370 बीजेपी और तमिलनाडु में कोई नहीं उसके पास, ये दो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में बहुत अच्छा और दूसरे राज्य में अपने आप आ जाते कुछ देखता ही नहीं होता को जो हैदराबाद की सीट में मैं मान के चल रहा हूं ये वही सीट होगी। अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक सीट AIMIM को, 5 बीजेपी, 2 BRS, कांग्रेस 9 और MIM को एक सीट। बीजेपी गोनिका यानी 2019 की तुलना में एक सीट गेन करती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर राव के लिए ज्यादातर पर एक बहुत बड़ी निराशा है कि दो सीटें हैं, राज्य तो उनके हाथ से गया ही गया, अब लोकसभा चुनाव में भी उनको सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कांग्रेस की 9 सीटें, समीर जी क्या कहेंगे नतीजों पर, क्या लग रहा है आपको कि ये आपके अनुमान के मुताबिक लग रहा है कि वही नतीजे हैं जो आप सोच रहे हैं या आपका अनुमान है? कभी जीत नहीं पाए, कोई भी दूसरी पार्टी जीत नहीं पाए द्राविड़ के अलावा, और जो पार्टी द्राविड़ के साथ जाती है वही जीत पाती है। अभी भी एक तरह के वो DMK द्राविड़ पार्टी जो है वो जो था कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के लिहाज से नंबर एक पार्टी भी बन जाए। अरे तो आपको लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी इंटरचेंज हो सकते हैं तेलंगाना के अंदर? निश्चित तौर पर। भावेश नाम आपके पास एक तो सीटें हैं सर, तीन चार जो बड़ी सीटें हैं। विधानसभा का जिक्र किया तो BRS का जो नुकसान हुआ ना वो केवल इसी मैसेज के लिए बहुत अभी खराब सिचुएशन है कि उनके कैंडिडेट सब अभी देखे सिटिंग MP तक BJP ज्वाइन करे, अदरवाइज क्यों ज्वाइन करेंगे? जब वो वहाँ पे सिटिंग MP है उनको कुछ संभावना दिखे तभी तो ज्वाइन कर रहे। तो आप ये देखेंगे कि BJP वर्सेज कांग्रेस जो आप पूछ रहे थे उसमें अधिकतर सीटों में तो नहीं, लेकिन आप 22 सीटों पर जाकर बीजेपी 28 में से रह सकती है। तो ये आपके सामने गोनिका कर्नाटक की 28 सीटों का बिल्कुल। लेकिन सौरभ पिछली बार से अगर देखें तो पिछली बार जो 25 सीटें थी और एक सीट और थी जो निर्दलीय उम्मीदवार था वो भी बीजेपी के साथ ही मिल गया, 26 हो गई थी, 26 से अब 4 सीटों का नुकसान है। कांग्रेस पिछली बार एक सीट पर थी, इस बार 4 सीट पर है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है। हालांकि लगातार सिद्धरामैया कह रहे हैं कि वो जितनी उम्मीदें बीजेपी जहाँ पे लगभग सारे 2 सीटें छोड़ के लगभग सारी सीटें जीती थी साउथ में, वो सीटें भी लगभग रिटेन करती जा रही। की तरफ चला जाएगा तो ये मैक्सिमम 20 सीटों पर NDA पर
पहले बीजेपी कर्नाटका में जीती थी, अब पिछली बार से तेलंगाना में भी जीती है। इस बार संभावना है कि तमिलनाडु से भी कुछ सीटें मिल जाएं, केरला से भी मिल जाएं। बैंगलोर रूरल तीन बार से है, उसके अलावा रामनगर की सीटें शामिल है, साउथ कर्नाटका की सीटें शामिल है। यहां पर उस गारंटीज का असर कह सकते हैं कि अब कम हो गया, लोगों को लगने लगा कि विधानसभा चुनाव पार्टी ने जीत लिया, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी कांग्रेस की गारंटी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और ये हमें नजर आता है। कांग्रेस वहां पर कुछ न कुछ ऐसी भूमिका देख रही है, ऐसी जगह देख रही है जहां पर वो जेडीएस को टारगेट करते हुए बीजेपी को, क्योंकि ये अभी तक तेलंगाना कर्नाटक वो राज्य हैं जहां पर कम से कम हमें इस बात को लेकर के कोई अपने आप में एक बहुत अप्रत्याशित घटना है और है भी बीजेपी का वहां पर अभी तक कोई जनाधार नहीं रहा। बीजेपी ने वहां पर कोई सीट नहीं निकाली, पिछले 2019 में शून्य पर थी और हमारा सर्वे कह रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी 5 सीटें। इस इलेक्शन में ये करिश्मा होगा, बीजेपी अपने दम पर तमिलनाडु में 5 सीट जीतने जा रही है और AIADMK 4 सीट जीतने जा रही है। देखते हैं के अपने हर भाषण में तमिलनाडु का जिक्र करना, तमिलनाडु की संस्कृति का जिक्र करना, ये उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। जयललिता का जिक्र प्रधानमंत्री बहुत बार करते हैं और उसका सिला ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है 5 सीटें बीजेपी निकाल सकती है तमिलनाडु के अंदर। ये ऐसा और यूपी जैसे स्टेट के अंदर 40-50 सीटें मिलना जितनी बड़ी बात होती है, तमिलनाडु में 5 सीटें मिलना भी उस लगभग वैसी बात है बीजेपी के लिए। भावेश, ये करिश्मा कैसे हो रहा है? देखिए 3-4 वजह है जो आप इसको गौर करने व्यर्थ हो गए। 2014 में मैं बहुत दिनों से बारे में डिस्कस करूँ, 2014 में बीजेपी का किसी के साथ अलायंस नहीं था, जो पार्टियों के साथ अलायंस। उसके अलावा मेरे को लगता है बहुत मुश्किल नहीं। उसके अलावा भी मैं कुछ सीटें बता दूं जहां पे बीजेपी बहुत अच्छा फाइट में, एक मदुरई सीट हो गया, चेन्नई की 2 सीटें हैं, उसके बाद एक और सीट है जिसका मैं नाम भूला, लेकिन 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी अभी भी फाइट में है। हालांकि हम सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार 22 सीटें अपने दम पर जीत सकती है और अपने साथ ही जेडीएस को मिला दें तो 24 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस को रखेंगे। अरे कृष्णा सर, वैसे आपके लिए क्या ज्यादा हैरानी, दूसरी हैरानी केरला से मिलने जा रही है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी 3 सीट केरला में जीत सकती है। यदि देखें राज्य को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में, और वहां पर जो एंटी हिंदू कह लें या लेफ्ट कह लें या और जो है उनका जो वायलेंस फाइट है, तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी पिछले 2019 के इलेक्शन से इस इलेक्शन में बीजेपी को 8 सीटों की बढ़त दिखाई देती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार, क्योंकि पिछली बार 30 आई थी साउथ इंडिया से, इस बार ये ओपिनियन पोल 38 दिखा रहा है। है कि बीजेपी का जनाधार